नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल रॉयल म्यूजिक ऑफ बैगपाइप पे। बैगपाइप कोर्स का ये दूसरा दिन है और आज हम सीखने वाले हैं सिर्फ नोटों का नाम, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर हम धीरे धीरे करके एक एक स्टेप करके सीखेंगे, बारीकी से सीखेंगे, तो हमें बहुत ही आसानी से समझ में आएगी हर नोट, ठीक है दोस्तों। अगर मैं एक दिन में आपको 4 या 5 लेसन दे दूँ तो आपके दिमाग के ऊपर चले जाएगी ये। इससे अच्छा हम थोड़े थोड़े सीखें और अच्छे से सीखें और ये पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। जो ये चिन्ह है, जो सिंबल है, आपने देखा बीच में जो आँख जैसी बनी है और साइड साइड में ये जो लाइन बना है, इसको हम कहते हैं ब्रेफ, BREVE, ब्रेफ, ठीक है दोस्तों। देखिए, गौर से देखिए, इस चिन्ह को हम याद रखेंगे ब्रेफ करके। अगर इस चिन्ह में से ये 2 हटा दें, जो ये बार था, अगर ये बार को हटा दिया जाए तो इसे हम दूसरे नाम से फिर कहेंगे, उसको क्या कहते हैं, सेमी ब्रेफ। क्या कहेंगे इसे हम, सेमी ब्रेफ। जो आँख जैसी ये चित्र बनी है उसको हम सेमी ब्रेफ कहेंगे, ठीक है, सेमी ब्रेफ। याद रखिएगा दोस्त, इसका नाम सिर्फ है सेमी ब्रेफ, आपको याद रखना है। कहीं भी अगर ये सिंबल आपको देखिए म्यूजिक में, म्यूजिक शीट में, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सेमी ब्रेफ है, इसका नाम सेमी ब्रेफ है, ठीक है। अब हम 3 नंबर नोट देखेंगे। तीन नंबर नोट में दोस्तों सिर्फ आपको क्या करना है, जो ये आंख दोस्तों में जैसी आकृति में ठीक नीचे से एक अच्छे से सिखाऊं लंबा सा डंडा तान देना है, तो इसे हम आप लोगों को कहेंगे आसानी से मैं सिखा मिनम, ठीक है दोस्तों। म्यूजिक की भाषा में इसे हम कहेंगे मिनम, MINIM, मिनम, ठीक है। अगर ये चिन्ह आपको दिखाई दे कहीं भी म्यूजिक शीट पे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका नाम क्या है, मिनम। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी को अच्छी तरह से समझा पाऊं, और आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो लाइक करना प्लीज़ ना भूलिएगा दोस्तों। मैं बहुत आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा ताकि जितने भी बिगिनर्स हैं उनको समझ में आए और बड़ी ही आसानी से समझ में आए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर ये इस आकृति के अंदर हम इस तरीके से भरे, ठीक है, इसको पूरा भर दिया जाए, एक भी जगह नहीं बचना चाहिए। इस तरीके से अगर बनाया जाए, आपने देखा होगा इस तरह का नोट म्यूजिक पे है ना, तो इसे हम कहेंगे क्रॉचेट, ठीक है। म्यूजिक की भाषा में इसे हम कहेंगे क्रॉचेट, CROTCHET, क्रॉचेट, ठीक है। अभी आपको वैल्यू कुछ भी याद नहीं करना है, अगर आपको सिर्फ याद करना है इसका नाम, ये जो सिंबल है म्यूजिक का, जो नोट है, इसका सिर्फ नाम याद रखना है। और कल की लेसन में, फिर नेक्स्ट लेसन में मैं धीरे धीरे करके वैल्यू बताऊंगा और उसके बाद टाइम सिग्नेचर बताऊंगा, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये नोट हो गया। अब आगे आने वाले नोट है, आपको क्या करना है, पहले खाली था, हमने भर दिया, डंडा तान दिया, और उसके बाद डंडे के ऊपर एक और इस तरीके से हमने साइड से डंडा खींच दिया, तो उसे कहेंगे क्वेवर, QUAVER, क्वेवर। क्या कहते हैं, क्वेवर। देखिए दोस्तों, जो मैं जैसे तरीके से आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ये है लोकल तरीके से, यानी कि एकदम आसानी से सिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये आकृति को अगर आप कहीं भी देखते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए इसका नाम क्वेवर है। क्या है, क्वेवर। अगर इसके जो लाइन है, जो डंडा पे, अगर 2 ऐसे धारी, अगर ऐसे सिंबल बनाया जाए, तो उससे हम कहेंगे सेमी क्वेवर। देखिए, नाम से ही हम जान सकते हैं, सेमी क्वेवर, यानी कि सेमी एक है और क्वेवर 2, तो सेमी क्वेवर यानी कि 2 डंडा आपको समझना है, ठीक है। बड़े ही आसानी से आपको समझ में आ रही होगी,
अगर आपको आसानी से समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लोगों को मैं चाहूँगा जल्द से जल्द पाइप बैग पाइप का म्यूजिक सिखा सकूँ। ठीक है, इसका उतना ज़्यादा म्यूजिक तो है नहीं, ब्रास बैंड जैसा पाइप बैंड का बहुत ही कम म्यूजिक है। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो खास करके कोई फौज में भर्ती होना चाहते हैं, कोई आर्मी में सीखना चाहते हैं कोर्स के लिए, तो उनके लिए अच्छा मौका है। अब हमारा नेक्स्ट जो नोट है, यहाँ पर तीन लाइन खींची हुई है जिसे हम कहेंगे डेमी सेमी क्वेवर। ये डेमी यहाँ पर लिखा हूँ, सेमी और उसके बाद क्वेवर ऊपर, ऊपर से ना पड़े नीचे से ये डेमी सेमी क्वेवर पड़े। इसका नाम क्या है? डेमी सेमी क्वेवर। अगर ये चीन आपको कहीं भी दिखाई दे तो आपको समझना है इसका नाम डेमी सेमी क्वेवर है, नाम से ही जाना जाता है डेमी सेमी क्वेवर। देखिए इसका तीन लाइन है तो डेमी सेमी क्वेवर आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर इस चिन्ह पे, इस अगर आकृति पे अगर चार बना दिया जाए, एक दो तीन चार लाइनें, तो इसका नाम दूसरा पड़ जाता है। इसका नाम होगा हेमी, हेमी डेमी सेमी क्वेवर। पहले हेमी, उसके बाद डेमी, उसके बाद सेमी क्वेवर। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर इस नोट के बारे में आपको जानकारी अच्छे से हो तो आपको म्यूजिक बजाने में या पढ़ने में बड़ी ही आसानी होगी और आप तुरंत बजा सकेंगे। एक व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज़ म्यूजिक कैसे पढ़ते हैं वो सिखाइए। पहले देखिए दोस्तों, म्यूजिक पढ़ने से पहले आपको म्यूजिक जानना ज़रूरी है और म्यूजिक का खास करके ये नोट जो है, नोट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको नोट ही नहीं पता तो आप बजाएंगे कैसे? अगर मैं बता दूं आपको, वीडियो बना के अगर मैं अपलोड भी कर दूं कि ऐसे बजाया जाता है, तो आप बजाएंगे कैसे? क्योंकि आपको जानकारी है नहीं, म्यूजिक का नोट ही पता नहीं, आपको रेस्ट पता नहीं है, तो आपको जानकारी कैसी होगी, है ना? तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, धीरे धीरे करके सीखेंगे और बहुत ही बढ़िया सीखेंगे। क्योंकि एक कहावत है ना, देर आए पर दुरुस्त आए, तो इस तरीके से हम सीखेंगे और बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो जाते जाते आप सभी लोगों के लिए ये नोट मैंने दे रखा हूँ। और ये नोट कौन सा नोट है और क्या नोट है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो का तीसरा दिन में फिर लौटेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।